खेतिया ज्वेलर्स के सुने मकान में लाखों रुपए की चोरी। अपनी सास के देहांत पर परिवार सहित महाराष्ट्र के अकलकुआ गया हुआ था परिवार। खेतिया की गांधी चौक स्थित शांतिलाल जैन का मकान और ज्वेलर्स दुकान एक साथ ही यह लोग सास का देहांत होने पर बाहर गए थे और रात्रि वहीं रुके। सुबह जब काम वाली बाई आई तो दरवाजा नहीं खुलने की सूचना के बाद भाई के लड़के को मौके पर पहुंचाया तो उसने पाया कि घर का पिछला दरवाजा खुला है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। ज्वेलर्स शांतिलाल जैन के अनुसार 20 लाख से अधिक की चोरी हुई है, जिसमें नकदी और ज्वेलर्स आदि है। वही घटना से सनसनी फैल गई है और खेतिया थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी खेतिया के अनुसार 6 लाख रुपए नगद और चांदी के जो जेवरात है उसका वजन के साथ सही आकलन अभी नहीं हो पाया है। फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और एफएसएल की टीम मौके पर आ चुकी है और जांच की जा रही है। भाई के लड़के को बोला कि भाई वहाँ जाके देखो, दरवाजा नहीं खुल रहा है। इस दरमियान पड़ोसी ने मुझे मेरे लड़के को फोन किया और कहा कि आपके यहाँ पे दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो मेरा भाई का लड़का आया और पीछे से जब देखा तो पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। उसके बाद घर में कोई भी नहीं घुसा। पुलिस वाले को रिपोर्ट करी और रिपोर्ट करने के बाद डॉग आया, कुत्ता आया। कुत्ता आने के बाद वो अंदर घुसा, उसके बाद हम लोग घर के अंदर। कितने की चोरी हुई है? 20 लाख से ऊपर और 25 लाख से नीचे। उनकी रिपोर्ट पर हमने प्रकरण कायम कर लिया है 457-380 का, कि शांतिलाल जी जैन और उनके पुत्र के आने पर उनके बयान लिए गए। उन्होंने बताया कि नगद 6 लाख रुपए और चांदी के जेवर जो संख्या में और वजन में उनने अलग अलग प्रकार से लिखाए हैं, अभी उनकी कीमत ना उन्होंने बताई है ना उनकी अनुमानित कीमत हम लोगों ने अभी आकी है। अभी विवेचना जारी है। मौके पर डॉग स्क्वाड आ चुका है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी आ चुके हैं और फॉरेंसिक एफएसएल के अधिकारी बघेल साहब भी आ चुके हैं। समस्त जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत मुंटा खेड़कर, मित्र मंडल वांगरा पांसेमल, जिला बड़वानी।